हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को ये मेरे मार्च में कुछ कटिंग से लगने वाले कुछ पौधे के बारे में बताऊंगी और केयर के बारे में भी। तो फर्स्ट में देखिए, ये है मेरा बेबी टियर। इसे भी आप लोग छोटे छोटे कटिंग लगा सकते हो मार्च महीने में, गर्मी में अच्छे से ये चलते हैं, अच्छे से ग्रो होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये लगाने एक छोटे से आप लोग टुकड़े लगाओगे तो भी ढेर सारा इसका पौधा बनता है। तो यहाँ पर देखिए मेरे ये एक, और फिर इधर पे भी मेरे, यहाँ पे भी है, और फिर दूसरा मेरे पास ढेर सारा बेबी टियर के पौधा बन गया है। बड़े बड़े हो गए हैं अभी, तो देखने में भी सुंदर लगता है और ग्रीन अपने गार्डन को भी हरा भरा करके रख देता है, ये रखता है और हमेशा आपका साथ कभी छोड़ता नहीं है। सर्दियों में भी अच्छे से ग्रो होता है और गर्मियों में भी। तो फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर लगाएं इसे, अभी लगाने का टाइम है मार्च महीने में, और ज़्यादा पानी ना डालें और ज़्यादा धूप वाले जगह पर भी ना रखें। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसे भी ज़रूर लगा सकते हो। ये देखिए, ये है मेरा दूसरा मार्च महीने में आप लोग छोटे से कटिंग से लगा सकते हो इसे भी। इसका नाम है क्रीपिंग इंच, इंच भी बोलते हैं इसे, पर क्रीपिंग इंच भी। तो देखिए, अगर आप छोटे से एक टुकड़ा भी आप लगाओगे हैंगिंग बास्केट पे तो ये भर भर के बड़ा हो जाएगा और बास्केट को ही पूरा अच्छे से भर देगा और देखने में सुंदर लगेगा। और यहाँ पर देखिए, मेरा भी ऐसे ही बास्केट को पूरा कवर कर लिया है इसने, और देखने में भी कितना सुंदर है। इसे भी धूप पे ना रखे, सुबह शाम के थोड़े से धूप में रखे और ज़्यादा पानी ना डाले। जब इसका मिट्टी सूख जाएगा तभी पानी देख के डाले। और मेरे पास भी इसके ढेर सारे बास्केट है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसे भी ज़रूर लगाना अच्छे से, और देखने में भी सुंदर लगता है। तो इसे भी हैंगिंग बास्केट पे लगाना। तो और दूसरे नंबर पे ये देखिए, ये भी, इसे भी आप लोग हैंगिंग बास्केट के लगा सकते हो। इसका नाम है वंडरिंग जीव। ये ग्रीन कलर में भी आता है, पर्पल कलर में भी। तो मेरे पास ये पर्पल कलर है, मैंने ज़्यादा नहीं हुआ इसे लगाए हुए, फिर भी इतना बड़ा हो गया है। इसके भी छोटे छोटे कटिंग लगा सकते हो आप लोग, और देखिए लगने में भी सुंदर लगता है। हैंगिंग बास्केट पर लगाने से ज़्यादा सुंदर लगता है, तो आप लोग इसे भी ज़रूर लगाए। फिर ये देखिए दूसरा, इसे ट्रेंगल हार्ट कहते हैं। इसे भी हैंगिंग बास्केट पे लगाने से अच्छा लगता है। अगर इसे भी आप लोग फेब्रुवरी मार्च महीने में भी छोटे से कटिंग से लगा सकते हो। तो ये देखिए, और ये नीचे की तरफ लटकता हुआ आता है, जब बड़ा हो जाता है तो दिखने में भी सुंदर लगता है। तो इसे भी आप लोग ज़रूर लगाए, और ज़्यादा पानी ना डालें, जब सूख जाएगा मिट्टी तब डालें। ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप लोग से भी जरूर लगा सकते हो। और दूसरे यहाँ पे देखिए, ये है पत्ता चट्टा। इसे भी आप लोग लगा सकते हो, केयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। गर्मी के दिन में अच्छे से चलता है ये पत्ते से खुद ब खुद जब गिरता है तब खुद ब खुद ग्रो होता है, बड़ा होता है। और देखिए, ये भी सुंदर लग रहा है और हरा भरा रहता है आपका गार्डन। तो इसे भी ज़रूर लगाए मार्च महीने में, फरवरी में, जब अप्रैल में हमेशा आपका साथ कभी नहीं छोड़ता है। तो ये हमेशा गार्डन में होता है। तो इसे भी जरूर लगाए, कोई कष्ट की भी ज़रूरत नहीं है पड़ता है। एक बार लगाने से दोबारा लगाने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो इसे भी आप लोग ज़रूर लगाए, कितना अच्छा पर्पल कलर में फिर इसका फ्लावर भी खिलता है। तो आप लोग इसे भी गर्मी महीने में लगा सकते हो, एक छोटे छोटे इसका बल्ब जैसा होता है। तो एक बल्ब लगाने से भी आपका बास्केट भर के आएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसे भी आप लोग ज़रूर लगाना, और मार्च महीने में तो गर्मी के दिन में सुंदर दिखाई देता है। जब ठंड पड़ता है तो इतना ज़्यादा नहीं चलता है, पर अगर आप इसे बचा के रखें तो गर्मी के दिन में ये भी सुंदर लगता है, और बास्केट भर भर के आता है, और फ्लावर्स भी छोटे छोटे खिलता है। तो इसे भी आप लोग जरूर शामिल करें। गाइस, यहाँ पे देखिए आइलिनर प्लांट। इसे भी आइलिनर प्लांट बोलते हैं, मुझे तो पहले पता नहीं था पर अभी पता चल गया। तो इसे भी एक छोटे से आपका एक टुकड़ा लगाओगे तो भी आपका बास्केट भर जाएगा। तो इसे भी गर्मी के दिन में अच्छे से ग्रो होता है, तो ज़रूर लगाए इसे भी छोटे से। जहीं कहीं भी दिखाई दे तो आप लोग एक छोटा कुड़का लेके आना और अपने बास्केट पे घर पे लगाना, तो ये भी अच्छा है। गर्मी में चलने वाला प्लांट मार्च महीने में आप लोग ज़रूर लगा सकते हो।